फ्रेंड्स, भारत में सामर्थ्य की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा और रियल बैरियर रहा है गरीबी का। गरीबी को स्लोगन से नहीं, सॉल्यूशन से ही लड़ा जा सकता है। गरीबी को नारे से नहीं, नीति और नियत से ही हराया जा सकता है। हमारे यहां पहले की सरकारों की जो सोच रही, उसने देश के गरीब को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं मानता हूं गरीब में खुद इतना सामर्थ्य होता है कि वो गरीबी से लड़ सके और उस लड़ाई में जीत सके। हमें उसे सपोर्ट करना होता है, उसे मूलभूत सुविधाएं देनी होती है, उसे एम्पावर करना होता है। इसलिए हमारी सरकार ने इन बाधाओं को तोड़ने के लिए गरीब को एम्पावर करके उस काम को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया। हमने न सिर्फ लोगों का जीवन बदला, बल्कि गरीबों को गरीबी से उभरने में मदद भी की। इसके परिणाम आज देश स्पष्ट देख रहा है। और अभी शोभना जी बता रही थी, सिर्फ 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 13 करोड़ लोगों ने अपनी गरीबी के बैरियर को तोड़ा और देश के न्यू मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं।